brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं अरविंद केजरीवाल से सहमत नहीं हूं, आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, सारी दुनिया जानती है। मैंने ये भी कहा है कि ये जो लिकर पॉलिसी मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए और अगर भ्रष्टाचार का कोई पुख्ता सबूत मिले, कोर्ट में जाइए, सजा दिलवाइए, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस बहाने से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ा जा रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसे कोई कैसे समर्थन कर सकता है? ये तो लोकतंत्र के नाम पे मजाक हो रहा है, कानून के नाम पे मजाक हो रहा है। आपको लगता है भ्रष्टाचार है? आप सबूत इकट्ठे कीजिए, आप कोर्ट पे जाइए, मुकदमा करवाइए और अगर मुकदमे में दोषी पाए जाते हैं, जो सजा मिलती है जरूर दिलवाइए। लेकिन तरह तरह के सबूत गढ़ के किसी तरह से गिरफ्तार करके रखना, गिरफ्तार क्यों किया जाता है? कि कोई व्यक्ति सबूत नष्ट ना कर सके, भाग ना जाए। अरविंद केजरीवाल भाग जाएगा क्या देश से? और वो एन चुनाव से पहले, आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तार करना कहां की मर्यादा है? इसके पीछे भ्रष्टाचार रोकने का कोई विचार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक विचार है कि अपने विरोधियों को रौंद देना, खत्म कर देना, चुनाव ना लड़ पाए और किसी तरीके से चुनाव से पहले या चुनाव के तुरंत बाद इनकी सरकार को गिराना, वो कांड जो बीजेपी कई जगह पे कर चुकी है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है।